नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज के नए ब्लॉग में हम आपको लेकर चलते हैं पंचेश्वर महादेव, जो एक घने जंगल के बीच में बना हुआ है मंदिर पंचेश्वर महादेव का। तो चलो चलते हैं लेके। ये सीधा रास्ता पंचेश्वर महादेव के लिए गया है, उसके बराबर से ही यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता भी गया है। ये सामने जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, ये यमुना एक्सप्रेसवे का है। ये सारा यमुना एक्सप्रेसवे जो नोएडा के लिए जाता है। तो दोस्तों, निकल पड़े हैं हम उस रास्ते पर, जो रास्ता में सीधा 2 किलोमीटर के बाद पंचेश्वर महादेव तक ले जाएगा। और इस रास्ते पर केवल हम ही हैं और हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी कोई फेस्टिवल वगैरह या कोई त्योहार भी नहीं चल रहा है, इसलिए रोड बिल्कुल खाली है। महीने में जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो ये सारी पार्किंग का एरिया है, यहाँ पार्किंग लगती है, क्योंकि बाइकें और कार वगैरह बहुत सारी आ जाती हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हो आ चुका है मंदिर। दोस्तों, पहुँच चुके हैं पंचेश्वर महादेव, जो जंगलों के बीच में स्थित है। तो आइए चलते हैं और करते हैं पंचेश्वर महादेव के दर्शन। दोस्तों, ये मंदिर जो बना है ना, वो बिल्कुल जंगल के बीच में बना है। देखो, इधर जंगल पूरी तरफ और ये बीच में मंदिर, और फिर इस तरफ पूरा जंगल। तो यानी कि मंदिर के दोनों तरफ जंगल है और बीच में बना हुआ है ये पंचमुखी महादेव का मंदिर। तो दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं पंचेश्वर महादेव जी के, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव, जय श्री राम।